अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर मिस माहीन। टुडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट यू अ टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस हेडिंग, विच नेम इज थर्मल एक्सपेंशन। इट वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ थर्म, थर्म मीन्स टेम्परेचर। इट मीन्स के बिकॉज ऑफ टेम्परेचर देर इज सम एक्सपेंशन इन एन ऑब्जेक्ट। Simply we can say that expansion due to the heating is called thermal expansion. Now student, as we know that by the definition के temperature देने पर object में अगर हमें change मिलता है, उसके size में हमें इजाफा मिलता है, increment मिलता है, then it is called the thermal expansion. Because the definition of therm is temperature is average translational kinetic energy, उसको हम कहते हैं temperature। तो बिल्कुल यही definition apply होती है on gas and on solids, कि जब object को आप heat up करते हो, उसको आप temperature देते हो, उसको आप heat up करते हो, then उसके जो molecules हैं या जो atoms हैं, अगर गैस की बात की जाए तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर एटम्स की सॉलिड की बात की जाए तो हम एटम्स की बात करते हैं। यहाँ चूँकि हम बात कर रहे हैं जनरल, तो हम कहेंगे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं, वो कोलाइड करते हैं मोर, वो वाइब्रेशन अपनी तेज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को पुश करते हैं। या अगर एटम्स की टर्म में बात की जाए तो वो एक दूसरे को पुश अप करते हैं, पुश कर रहे होते हैं, और इनका जब ये वाइब्रेशन और कोलिजन इनका इंक्रीज करता है, देन हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होकर मिलता है। तो इस चीज़ को इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हमारा जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है, या हमें साइज में उसका चेंज मिला है, ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है, कि ऑब्जेक्ट की साइज में हमें इंक्रीज होकर मिलना ड्यू टू टेम्परेचर। Now the question arises is that how many kinds of expansion or thermal expansions we have? We have basically three different kinds of thermal expansions. Number one, linear expansion. Number two, superficial expansion. Number three, cubical or volumetric expansion. The linear expansion, basically it belongs to the length, change in length of an object due to heating. Superficial expansion basically belongs to change in area of an object due to heating. And cubical or volumetric expansion belongs to change in the volume of an object due to heating. Now we discuss linear expansion. Linear expansion, as we can say that the term linear shows the length, one side way of change or one side increment which belongs to the length. और एक्सपेंशन लाइक सिंपल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मीन्स टेम्परेचर देने पे एक्सपेंशन होना, और वन साइडेड एक्सपेंशन होना, वो आपकी लेंथ में ही होता है। तो चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। नाउ स्टूडेंट, इसी लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन को मैथमेटिकली हम करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे ऑब्जेक्ट के साइज में इंक्रीमेंट होकर मिलता है, किस तरह से उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमारी चेंज होती है, और वो किन फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करती है, उसको डिस्कस करते हैं। कंसीडर करेंगे फॉर दिस पर्पज एक मेटेलिक बार जिसकी इनिशियल लेंथ L1 है, एंड एट दिस लेंथ टेम्परेचर विल बी T1। आफ्टर दिस द ऑब्जेक्ट विल बी हीटेड एंड इट्स न्यू लेंथ विल बी L2, एंड एट दिस लेंथ टेम्परेचर विल बी T2। सो हेयर वी ऑब्जर्व दैट लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। Now what are the two factors? The first is that कि जितना change in length, increase in length of solid bar है, वो directly proportional होगा आपकी original length के। अगर original length ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, अगर original length कम है तो आपको थोड़ा कम मिलेगा increment, वो change आपको जो है वो थोड़ा कम मिलेगा, तो ये directly proportional हो गया। इसी तरीके से आपका जितना increase in length है वो directly proportional होती है change in temperature के। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे आपकी लेंथ में इजाफा उतना ही ज़्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर कम देंगे तो इजाफा भी कम होगा। तो ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ से मिली, कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशंस को, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T,
डेल्टा एल हमारा चेंज इन लेंथ है विच इज़ एल टू माइनस एल वन। आपको पता है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो सम कांस्टेंट आता है, वेयर द कांस्टेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज कॉल्ड अल्फा एंड इट्स नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को देन वी गेट अ फाइनल रिजल्ट विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एल टू इक्वल टू एल वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। नाउ डिस्कस व्हाट इज अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर वेयर अल्फा डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द रॉड, मटीरियल्स दैट एक्सपेंड मोर हैव हाई वैल्यू ऑफ अल्फा। यूनिट ऑफ अल्फा इज सेंटीग्रेड इनवर्स, फारेनहाइट इनवर्स, केल्विन इनवर्स। नाउ वी डिस्कस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। चेंज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम में इजाफा हीट करने पर, और वॉल्यूम आपको पता है कि थ्री लेंथ का मल्टीपल होता है, तो तीनों तरफ की लेंथ में एक साथ इजाफा होना हीट करने पर आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है। नाउ वी डिस्कस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड फॉर दिस पर्पस कंसीडर मेटालिक क्यूब हैविंग द इनिशियल वॉल्यूम वी वन एंड एट दिस टेम्परेचर विल बी टी वन। आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम and at this passage of time we heated the object so its volume will be V2 and at this volume temperature will be T2. So here we observe the two factors which depends on volumetric expansion. Number one, increase in volume of a cubical object is directly proportional to the original volume, means ki jitna aapka original volume agar hoga aapko us volume mein change bhi utna hi zyada milega. And second one is that change in volume or increase in volume is directly proportional to the चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे आपका वॉल्यूम में इजाफा भी उतना ही ज़्यादा होगा। कंबाइन दीज टू इक्वेशंस देन वी गेट डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वन डेल्टा टी एंड इफ यू नो दैट डेल्टा वी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है सम कॉन्स्टेंट आता है वेयर द कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड बीटा। सो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन we get V2 equal to V1 1 plus beta delta T. Now where beta is called coefficient of volumetric expansion and it is defined as increase in volume per unit volume per degree rise in temperature and its unit is centigrade inverse, Kelvin inverse, Fahrenheit inverse. Now we discuss the relation between alpha and beta, means the relation between coefficient of linear expansion alpha and the coefficient of linear expansion beta. For this purpose, consider a cube. Before heating at temperature T1, its length is L1, its width is W1 and its height is H1. So its volume will be L1, W1, H1. एज यू नो दे के वॉल्यूम जो है वो आपका थ्री लेंस का मल्टीपल होता है, तो आप चाहे विड्थ में बात करें, हाइट में बात करें या लेंथ में बात करें, हर साइड आपकी एक लेंथ होती है, एक्सिस अलग होता है, तो तीनों आप लेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा इनिशियल। एंड आफ्टर दिस आपका जो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है आप उसको हीटअप करते हैं तो उसकी लेंथ में, विड्थ में, हाइट में आपको चेंज एक नई इंक्रीमेंट मिलता है जिसको आप L2, W2 एंड H2 का नाम देते हैं। सो एट दिस स्टेज आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा तो V2 कहलाएगा, L2, W2, H2। सिमिलरली हमने अभी डिस्कस किया था लीनियर एक्सपेंशन कि उसका फाइनल चेंज, फाइनल जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होके हमें मिला था वो L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T मिला था। एंड फ्रॉम अबव जो अभी हमने कहा कि आप क्यूबिकल ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो चाहे आप लेंथ में बात करें, विड्थ में बात करें, हाइट में बात करें, तमाम आपकी लेंथ्स होती हैं, उनके एक्सिस अलग होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, तो तमाम चूंकि लेंथ्स हैं तो हम यहाँ इसी डब्ल्यू एच और एल के ऊपर अप्लाई करेंगे लीनियर एक्सपेंशन का यही फार्मूला।
तो हमें एक एल टू का इक्वेशन मिलेगी विच इज़ एल टू इक्वल टू एल वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। सिमिलर पैटर्न पे अगर हम निकालें तो हमें विट डब्ल्यू टू मिलेगा इक्वल टू डब्ल्यू वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसी तरह हमें एच टू मिलेगा एच वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। और अल्फा क्यों? कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हम जो कि एक साइड की बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में एक एक साइड को लेके बात कर रहे हैं तो हम यहाँ अल्फा रखेंगे। इसी इक्वेशंस के तीनों आंसर्स को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर टू में, देन वी गेट डब्ल्यू टू इक्वल टू एल वन डब्ल्यू वन सॉरी वी टू इक्वल टू एल वन डब्ल्यू वन एच वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी की पावर का क्यूब हो जाएगा। यह हमारे पास a प्लस बी की पावर का क्यूब बन रहा है फार्मूला, जिसको हम ओपन करते हैं ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और यहाँ हम ये मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं कि हायर ऑर्डर टर्म हम उसको निगलेक्ट करते हैं, डेल्टा टी की हायर ऑर्डर टर्म, क्योंकि चेंज इन लेंथ है, हम उसकी हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट करते हैं। तो जब हम हायर ऑर्डर टर्म किसी भी इक्वेशन में निगलेक्ट करते हैं तो हम वहाँ से पावर वन को कंसिडर करते हैं, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी जब हम एल वन डब्ल्यू वन एच वन की वैल्यू रख देंगे और ए प्लस बी के होल क्यूब जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं वन प्लस एल्फा डेल्टा टी के ऊपर, तो हमारी जो हायर ऑर्डर टर्म निगलेक्ट होकर हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा वी टू इक्वल टू वी वन वन प्लस थ्री एल्फा डेल्टा टी। इस v1 को आप अंदर ले जाएंगे, ब्रैकेट की ईच साइड से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देन v2 टू माइनस वी वन एक तरफ हो जाएगा और बाकी इक्वेशन आपकी एक तरफ होगी। एंड यू नो दैट के v2 टू माइनस वी वन फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आपका चेंज इन वॉल्यूम कहलाता है, तो वो आपका बंद हो जाएगा डेल्टा v में। आपकी राइट साइड एज इट इज़ आप उसको नोट करते जाएंगे थ्री वी वन एल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप v1 और डेल्टा टी को अपने लेफ्ट साइड पर ले जाके डिवाइड में ले आएंगे, तो आपका जो इक्वेशन बनेगी, ये अभी हमने पीछे लीड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, तो ये इक्वेशन जो हमें बनकर आती है ये कहलाती है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और ये डेफिनेशन है आपकी बीटा की विच इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और मैंशन कर देंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्यूबिकल एक्सपेंशन, वी नो दैट बीटा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी वन डेल्टा टी और आपका राइट साइड एज इट इज़। तो ये आपका प्रूफ होकर आता है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो थ्री टाइम्स अल्फा है। और अगर आप इसको जनरली अगर देखें, वॉल्यूम क्या होता है? थ्री लेंथ का मल्टीपल है। इट मींस कि अगर आपके वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है तो आपकी क्यूब की एक साइड में चेंज नहीं आएगा, आपकी तीनों साइड्स में चेंज आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो आपका थ्री साइड्स का जो मल्टीपल होगा लीनियर एक्सपेंशन का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, वो निकल कर आएगा। तो आपका ये प्रूफ होता है बीटा इक्वल टू थ्री अल्फा यहाँ पे।